हैप्पी होली। व्हाट इज दिस मम्मी पापा? निंजा टेक्निक वाइफ से बदला लेने के। बताइए अब मैं कैसी लगी? हमारा नेता कैसा हो? जहर नींद सुना है? जहर नींद। पति तुम्हारे लिए कितना सोना चांदी ला तक। क्या हाल कर रखा है पीछे? गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हैप्पी होली। अमन की क्या तैयारी चल रही है सुबह सुबह? हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। पानी चाहे इतनी, गौरव को मैंने छोड़ना नहीं है, ये रहे गुब्बारे और पानी का है। पानी तो टैप से भर लेंगे ना? पानी लिया नहीं ना अभी? नहीं नहीं, वो तो उसी में से डायरेक्ट भरेंगे। चलो गाइज लेट्स गो। इतनी गौरव गाइज, आज बहुत सारे लोग आए हुए और सारे के सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है में कि हम दोनों ही है। हम दोनों ही है, पर एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल कम नहीं है। हाँ। पार्टी ऑनलाइन चलेगी। हाँ। और आज घर पूरा खाली है तो हम डबल धमाका करेंगे और हम चिल्ला चिल्ला पूरा घर खराब भी कर देंगे, कोई डांटने वाला नहीं है। और चिल्ला भी सकते हैं पूरा घर खराब। अरे कर दो सब, मतलब ऐसे नहीं, कलर से। चलो कलर से कोई डांटेगा ही नहीं, डांटेगा कोई डांटेगा तो बोलेंगे हम कम से कम घर पे तो है मम्मी पापा, घर की देखभाल तो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस मम्मी पापा? टी का फेवरेट कलर आ गया सबसे पहले। बस ये हाइजीन तुम्हारी ना मेरे लिए दिक्कत है। देखो ये सिस्टम इस तरीके से निकाल रही, तमीज से ले जाएगी। अरे निकालो डायरेक्ट मुंह में, खा लो और क्या, मतलब मुंह में लगा दो या लगा लो खुद के। सारे ऑर्गेनिक कलर्स ही हमने ऑर्डर किए हैं बिल्कुल। हाँ। और कई सारे तो गिफ्ट भी आए, ये नहीं बता रही ऑर्डर किए। सच बताऊं तो हाँ। जो ऑर्डर किया है उसमें है ही नहीं, वो कहाँ है? वो कहाँ है? तो नहीं लेके आया गाइस, रुको। अरे ढूंढ के देख रहा हूँ, रुक जाओ। की सारी क्रॉकरी खत्म करने की जिम्मेदारी इति कौरव ने ली है। तुम क्या कर रही हो? कोई नहीं, और बल्कि आज की बड़ी बात है, आज कोई स्टाफ भी नहीं आएगा भैया हेल्प करने। आज गाइस सबने छुट्टी ले रखी है, कोई हेल्पर एक्सेप्ट फॉर द अनपेड स्टाफ। मुझे पता है किसको करना पड़ेगा ये सब, सारी की सारी चीजें। इसके बाद बोलेगी यार थोड़ा देख लो ना, और मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम भी हेल्प करोगी थोड़ी बहुत? गुड जॉब। So guys, ये देखिए मेरे सारे फेवरेट कलर निकल रहे हैं आज तो। फेवरेट कलर मेरे को पता है, मेरा फेवरेट अभी फिलहाल ये है, एकदम लाल चटक लाल। मुझे पता है कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे पिंक एंड ये येलो अच्छे लग रहे हैं, और रेड भी अच्छे लग रहे हैं, और ये भी अच्छे लग रहे हैं। तुम दिमाग खराब है क्या? सारे चूज कर लिए हैं? सारे अच्छे लग रहे हैं। वाह यार सारे कलर्स हो गए हमारे पास। एंड गाइस ये भी एक्स्ट्रा कलर्स हैं, इसमें भी ढेर सारे कलर्स हैं, बट इनकी अभी जरूरत नहीं है। हम दोनों के लिए तो नहीं, बहुत काफी है यार। गेस्ट के लिए थाली ले जा रहे हैं, ढेर सारे गेस्ट आए। अरे इतना गिर जाएगा तो रुको। अरे तुमने ग्रीन एंड येलो मिक्स कर दिया। अरे यार रुको, मुझे करने दो। ये बलून्स याद रखना, तुम्हारी पीठ पे मारूंगा, लाल होने वाली है। तुम्हारी कज़र चुका यूहू गुब्बारे अमन के सर पे फूटने वाले। ए, 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 अभी ऐसे थोड़ी होगा, अभी एक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। तो एक्शन बोल दे। नहीं बोलो, एक पहले खा तो लो। एक मार नहीं खानी स्टार्टिंग में, पैर पे, पैर पे। नहीं अच्छा पार्टी के पैर पे, पैर पे ठीक है। ओ 1 2 3 आती लगी ना। निंजा टेक्निक वाइफ से बदला लेने का बिना उसको मारे, मारा भी पर मारा नहीं। देखो अब देखो गाइस, इतने तेज लगी ना मेरे पैर पे, मुझे लगा था कि पैर पे नहीं लगेगी। ये देखिए गाइस, अगर मुंह पे मारा तो देख लियो। अरे तुम हिल नहीं सकते, तुम उठ गए। मैंने तो उल्टा पैर अपने दिखाए थे, ये मैं मारो शांति से। अजी मैं नहीं खेल रही, मैं जा रही। हैप्पी होली थी। भाई इति कौरव ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसको गुब्बारा मारना अलाउड नहीं है। मैं मानता हूँ सामने नहीं मार सकता, पर अगर दम है तो कम से कम पीठ पे तो मारने का मौका मिले। मम्मी इस टाइम कोई नहीं बचाएगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा अच्छा लगेगा दो लोगों में होली खेल के। नहीं नीचे लगाएगा, इस कान पे नहीं लगा। ये देखो नीचे लगा है, पानी का निशान दिख गया मुझे। अगर आपको दिखा हो रिप्ले गाइस, अमन के देखो मैंने नोटिस किया है कि सिर्फ साइड पे, सेंटर में तो कुछ है। भगवान की कसम यहाँ लगा है। सो
सो गाइस अमन ने मुझे पूरा ग्रीन कलर लगाया भी मैंने देखा तो, बट जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं अपना फेवरेट कलर लगा लेती हूँ खुद को, आएंगे येलो। मार दूंगी। सो गाइस होली खेल ली है एंड अब मैंने अमन को लगा दिया काम पे। खून नहीं लग रहा। अमन ऐसी हालत में तुम घर के अंदर नहीं आओगे पहली बात। तुम भी नहीं जा पाओगी। मैं भी हाथ पैर धो के जाऊंगी। तो मैं भी हाथ, वैसे मुझे अलाउड है, तुम यहीं पे ना होगे आज गार्डन में और मुझे अलाउड है। तो गाइस मैंने अमन को चैलेंज दिया है कि गुब्बारा उछाले और अपने सर से फोड़े। ठीक है, अपने सर से फोड़ो। हाँ तुम एक बार आंखें बंद करो, मैं करता हूँ। नहीं मेरे को नहीं लगना चाहिए। चलो यार सो टैलेंटेड। यू कैन आल्सो डू यार, आई विल शो यू योर टैलेंट। नो प्लीज, यू आर वेरी टैलेंटेड। तेरे माथे में तो खुद लग जाएगा। प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए। जब तक सपोर्ट करेंगे बहुत लेट हो चुका। नहीं प्लीज, अमन के मैं पैर धो रही हूँ, कितनी अच्छी हूँ, पैंट भी धो दिए। मैं कपड़े धो रही हूँ अमन की, मैं तुम्हारे कपड़े शर्ट भी धुल गई यार तेरी। मम्मी सच में ही बहुत ज्यादा ठंडा है, प्लीज नहीं करो। मुझे लग रहा था कि नहीं इतना ठंडा, मत कर यार। ये कौन करता है कौन? अरे भैया सामने वाला रंग लगाता है, ये अकेले में खुद भी खुश। क्योंकि तो मुझे गंदे कलर लगा रहे हो, डार्क कलर। नहीं तो तुम कैसे बोल रही हो येलो करके? ये मेरे को अच्छे लग रहे ना, मैं अपना फेवरेट कलर लगा रही हूँ कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। तो गाइस बताइए अब मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि अरे किससे शादी कर ली, एक खूबसूरत परी से। तेरी तो जब ज्यादा बलून बचे नहीं है तो अब मैं तुम्हें टारगेट दे रही हूँ, तुम मंकी को मारो। और अगर वो फट गया तो? फट गया तो फट गया, ऐसे किसी काम का नहीं है। ऐसे मत बोलो, हमारे घर का सदस्य है। तो गाइस लेट्स स्कोर अ गोल राइट। एंड गाइज आज हम लोग ने बहुत जल्दी होली खेली, अच्छी मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि वेदर भी अच्छा रहता है एंड आज चंद्र ग्रहण भी है। वैसे तो इंडिया में नहीं है बट कई जगह लोग मान भी रहे हैं तो हम लोग प्रिकॉशन भी सही सोचा। हाँ है ना। हाँ इति का कहना था यार कि मतलब वैसे हम लोग नहीं मानते, टाइम तो इनका कुछ था, लेकिन चार लोगों ने कहा है अगर मान लिया तो कुछ नहीं जाएगा है ना, और ना माना तो 1% बाद में बहम आता है। तो किसी का कहा मान लो तो कुछ जा नहीं रहा। जैसे मैं बीवी की सुबह से रात मानता हूँ, मानना ही पड़ता है अगर जीना है तो हम टाइम से उठ के होली खेल ली और अब हम अंदर जा रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी पर फाड़ू मजा आया। और आज खाना अमन मेरे को खिलाएगा। हाँ और खाना मैं ही, इति को खाना मैं बना के खिलाऊंगा और खाने में है मेरा गु। क्या करते हो यार, कितना बदतमीज है। बदतमीज नहीं, इट्स अ नेचुरल थिंग, आई डोंट थिंक सो गाइस। इसको कभी हम लोग को नीचे दिखा तो पहले तुम खाओ टेस्ट करो फिर देखते हैं। तो तुम लोग जी यार मेरे को ऐसा बातें नहीं करती। गाइस मुझे सब धुंधला दिख रहा है और आपको भी। सो दैट अब कुछ बेहतर लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है पहले से। तो इससे पहले खुद को साफ करूं, मुझे बर्तन साफ करने थी और हमने आदेश दिया है, इसलिए मैं कहता हूं अगर बीवी हो भोली तभी खेलो होली। इति रेडी हो रही है और तब तक मैं बर्तन धो लेता हूँ, अब जिम्मेदारी है तो करना पड़ेगा ना यार। A few moments later, हमारा नेता कैसा हो? इति बीवी कैसा हो? तुम अपना प्रचार नहीं कर पा रही ढंग से। मुझे क्या पता था। चलो अब दोनों करेंगे। हमारा नेता कैसा हो? इति दीदी जैसा हो। टीटी कंपनी ने थैंक यू, टीटी कंपनी ने हम लोग को भेजा है। इतने सारे अभी मैंने देखा डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ, मैंने कहा इस पे क्या है। देखो इतनी सारी तो बढ़िया लग रहा है, पता नहीं था ये पहन के होली खेलते कितना ज्यादा और कितना सही जा रहे। तुम पे कितना बढ़िया जा रहा है ना, कव्वाली है ना। हां आज शाम को फ्रेंड्स आएंगे सबको पहना। और सबसे बड़ी बात है हमारी नेताइन जी धोबी भी है साथ में, फिलहाल कपड़े तो नहीं। चुनाव चिन्ह ये, अरे ये चुनाव चिन्ह मेंटेन कैसे कर पाओगी? हाँ ये भी तो है ना, सब देख के तो चल रहा है। जाओ धोबी जी, जाओ नेता जी, जाओ। One eternity later. Good morning. जहर नींद सुना है, जहर नींद। वही थी आज जहर नींद, मुझे पता ही नहीं लगा। अमन तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोया है, बहुत तगड़ा सोया हूँ। और शायद सदियों बाद मेरी बीवी इतनी देर चुप रही है जब मैं सो रहा था, क्योंकि ये भी सो रही थी ऑब्वियसली। नहीं मैं सोई नहीं थी। है? नहीं मैं सोई नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता लाइफ में, ये एक्सेप्ट करे कि मैं सोई। मैं सच में नहीं सोई, ये मेरा सोने का टाइम कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता कि इति कौरव एक्सेप्ट करे। गाइस ये होता है जैसे कोई, आप अपना दुख दिखाओ ना कि मेरे पैर में दर्द है तो ये बोलेगी पैर पीठ
हाथ सब टूट गया है क्योंकि ये सही नहीं सकती। अरे तुम तो सोए, तुम्हें क्या पता, मैं मोबाइल चलाई फिर उसके बाद टाइम देखा, अच्छा 2 बज गया 2:30 बज गया बेचारी, तो यही चल रहा था मेरे साथ। हैप्पी होली तुमको सुनाटरा, पिछले 4 घंटे से ऐसी लेटी हुई और लेटी रहो, कोई दिक्कत नहीं। सुनाटरा का एक बस घर पे होना एक एग्जिस्टेंस एक बहुत रिलीफ देता है दिमाग में कि कोई है, समझ नहीं तो एक अकेलापन लगता है ऐसे, अपने को पता है सुनाटरा बैठी है सब रिलैक्स है, एक सेफ्टी ज्यादा फील होती है यार। इतनी इज्जत अगर कभी पति को दी होती, पति तुम्हारे लिए कितना सोना चांदी लाता कभी सोचा तुमने, तो तुम्हारे लिए तो है सब कुछ, इतना सारा कभी भी मैं खा नहीं पाऊंगा, इतनी तो इज्जत तुम्हें चाहिए ये सब तुम्हारे लिए। हाँ सही बात है, इतने सारे ग्लास मेरे लिए, कितना पानी पीऊंगा, पानी पिया अनलिमिटेड, पानी ही है ना, पानी ही है, पानी ही है ना, और क्या भाई, थोड़े दोस्त सारे घर पे, तो लेकिन मैं खुश हूँ कि सब आ रहे हैं सब त्योहार मना रहे, पर एक कहीं दिल के एक कोने में एक दुख है, क्या कभी आपने हमारे लिए इतनी सेवा की है, सब की है। देखो कितने अच्छे से रैप करके रखा है, मेरे को मैं सैलेड मांगता हूँ ना तो यू खीरा लेके फेंक देती है, ये एग्जैक्ट मुंह में अटक जाता है। एक बार ट्राई करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे अगली बार, जब मैं मुंह में फेंकूंगी और अटक जाएगा ना वो हम लोगों को भी दिखाएंगे। तो खीरा ने डायरेक्ट पत्थर मारा ना, जब मारना ही है तो काहे एक्टिंग करने की इज्जत कर रहे हैं हमारी, कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया, सब कुछ हम बाहर से ऑर्डर किया, सब कुछ मान रहा हूँ, पर ये तो आप ही की मेहनत है। हाँ, बस मैंने चॉपिंग की है, सैलेड प्लेटर है, फ्रूट प्लेटर है, बस और ये पापड़ वगैरह। भाई भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, अगर मेरे लिए इसने 2 फल काटे होते तो पूरा रोना धोना, एक तो तुम्हारे लिए फल काटे मेरी जान निकली थी, मैं सांस नहीं ले पाती, और यहाँ इतना कुछ करने के बाद बोल रही मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कितनी भोली है। A few moments later, होली है। रिपोर्ट डालो, हमें भी दो, गुड जॉब। मैं ये क्या कर दिया यार, सो द पार्टी दो वही दिखो, आर यू टायर्ड, नो बट रीति करण ने अच्छी जॉब की, गुड जॉब, मैंने भी अच्छी जॉब की। सो गाइस सारी क्लीनिंग हो चुकी है, और रीति ये सारे कपड़े दो तुरंत, मैं तो सुबह एकदम साफ थी एकदम सूखे समझी। और इसने होली भी खेली, इसको शर्म नहीं आती रात को, मैंने खेली नहीं, सबने ऊपर फेंक दिया, ये देखो क्या हाल कर रखा है पीछे से, तो गाइस आपको दिख रहा होगा कौन नहा धो के फ्रेश होके रेडी होके स्मार्ट बन के सामने बैठा हुआ है, क्या कहना चाहती हो, नहीं दिख रहा किसी को, नहीं दिख रहा ना गाइस, हाँ किसी को नहीं दिख रहा, क्या हो गया सबको, क्यों नहीं दिख रहा, मैं आया हूँ रेडी होके अच्छे से, बोली थी मैं मुंह नहीं दूंगा, नहीं तो बस बाली तो ऐसे साफ किए, कपड़े चेंज किए और फेस वॉश किया, हाथ पैर धोए, बस क्या किया और तो कुछ नहीं किया, ये सब तो मैंने भी किया है, और क्या करना होता है मुझे नहीं पता इसके अलावा और क्या करना होता है। सो गाइस आज मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हम उसका जवाब ना दे रहे, बट फिर भी मैं पूछने वाली हूँ, कोई नहीं है, ठीक है। 3 डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है सुनते ही, कंफ्यूजिंग टाइप होता है ना। हाँ 3 डॉक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि रोहित उनका भाई है, बट रोहित कहता है कि नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, बताओ तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच कह रहा है, डॉक्टर्स लेडीज थी है ना, क्योंकि समझे डॉक्टर फीमेल थी, तो रोहित उनका भाई हुआ और वो उनकी बहन हुई रोहित की। मैंने पता इससे पूछा कि बताओ कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ताकि ऐसा लगे कि हाँ कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और इसने 3 डॉक्टर ले आए ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, कैसी सी है यार, उस क्वेश्चन में 3 ही था, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तुम रशियन डॉन के सामने खड़ी हो, अभी कंफ्यूज करने के लिए डॉन को नहीं बना दिया, रशियन नहीं, इसके पास एक बंदूक है, ठीक है, जो रिवॉल्वर नहीं है ये छठ घूमने वाली जिससे गोली दगती है, जिसमें 6 गोली चलती है, ठीक है, उसमें उसने 1 गोली डाली है और उसने झर से घुमाया उसको और तुम्हारी कनपट्टी पे लगाया और चलाया धड़, पर तुम्हें नहीं लगी, उसमें गोली नहीं थी, तो अब वो तुम्हें फिर से एक और शॉट मारेगा, पर वो तुमसे पूछ रहा है मैं इसको फिर से घुमाऊं या नहीं घुमाऊं, ऐसे ही रहने दूं, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए अगर तुम जिंदा बचना चाहती हो? बोलूंगी प्लीज मुझे मत मारो। Oh my God, so beautiful. देखो अगर सोचो, नहीं घुमाए बोलूंगी तो भी वो गोली तो नेक्स्ट गोली लग सकती है, हाँ, और अगर घुमाए बोलूंगी तो भी लग सकती तो है, तो भी लग सकती है, बिल्कुल। देखो एक बार घुमाने के बाद आपको 6 बार चलाना ही पड़ता है, और अगर आप घुमा नहीं सकते, तुम पागल हो क्या? कुछ भी बोल रही, आंसर नहीं, नहीं आंसर दो, घुमाए कि ना घुमाए किसमें प्रोबेबिलिटी तुम्हारी ज्यादा है बचने की, आंसर दो,
ये तो हार मानो तो मैं अच्छे से बताऊं, बहुत इजी है, बहुत अच्छा जस्टिफाई कर सकती हूँ, जब मैं बताऊंगा तो मैं लगेगा हाय रब्बा अपने बाल नोच लूं। नहीं नहीं मैं तेरे बाल नोचूंगी, बता क्या है। मैं नहीं बता रहा, बाल नहीं नोचाने, प्लीज बता दे। ऑफ कोर्स तुम्हें उसको घुमाना चाहिए एक और बार। क्यों? क्योंकि मानो एक में नहीं चली तो अगले पांच में किसी भी एक में गोली हो सकती है, समझ रही हो? घुमाओगे तो छह में गोली होगी, घुमाओगे तो किसी भी छह में से एक में गोली होगी। बट उसमें भी तो मर ही सकते। कोई नहीं मार रहा तो भे, लेकिन उसमें कम चांस। मैं बोलूंगी कि प्लीज मुझे मत मारो। इतनी गौरव हार गई है पर बहुत खूबसूरती सारी है, इसलिए रशियन डॉन कुछ ना कहे इसको, ठीक है? डर गई। तो गाइज आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।